दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ वीवो और ओप्पो के दो बेहतरीन स्मार्टफोन, जिसमें हमारे पास है वीवो का लेटेस्ट स्मार्टफोन वीवो T2X 5G और दूसरा हमारे पास ओप्पो A57। तो इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे, एक साथ देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन रहता है आपके लिए सबसे बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्मार्टफोन के प्राइस जान लेते हैं। वीवो T2X 5G स्मार्टफोन, ये स्मार्टफोन आपको ऑनलाइन स्टोर पर 13,000 रुपए के अंदर मिलेगा। वहीं पर 500 रुपए ऊपर खर्च करने पर आपको ओप्पो A57 मिल जाएगा 13,500 रुपए में। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स पर आपको कहीं मोबाइल का डिजाइन देखने को नहीं मिलेगा। बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स को मेंशन किया गया है, जिन्हें मैं आपको वीडियो में आगे बताता रहूंगा। चलिए जल्दी से दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स ओपन कर लेते हैं। शुरुआत हम वीवो T2X 5G से करेंगे। सबसे ऊपर आपको स्मार्टफोन रखा हुआ मिलता है, इसे निकाल के फिलहाल साइड रखें। अंदर ट्रे मिलती है आपको, इसके बाद अंदर देखें तो एक फोन को सेफ्टी देने के लिए फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकन का एक TPU केस मिल जाता है, काफी सॉफ्ट है। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, IMEI स्टिकर्स और चार्जर अडाप्टर, व्हाइट कलर का 18 वॉट का 5V 2A 9V 2A की आउटपुट रेटिंग इस चार्जर से आपको मिलेगी। इसके बाद आपको एक व्हाइट कलर की Type-C USB केबल मिलती है और लास्ट में एक सिम इजेक्टर पिन ही यहां पर दी गई है। आते हैं ओप्पो A57 की ओर। तो दोस्तों यहां पर सबसे ऊपर एक ब्लैक कलर का मिनी बॉक्स दिया गया है और इसे ओपन करने पर हमें अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, सिम इजेक्टर पिन के साथ साथ फोन को सेफ्टी देने के लिए एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकन का कवर भी मिल जाता है अच्छी क्वालिटी का। इसके बाद रखा हुआ मिलता है स्मार्टफोन, निकाल के फिलहाल साइड रखते हैं और अंदर देखते हैं तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही बड़े साइज का चार्जर अडाप्टर मिल जाता है। ये सुपर बोक चार्जर 33 वॉट का है, फोन को काफी फास्ट चार्ज करेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर काफी मोटी USB केबल भी मिल जाती है और ये Type-C USB केबल है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि ओप्पो का स्मार्टफोन बढ़िया है वीवो से, लेकिन सारे फीचर्स जानने के बाद आप पूरा समझ जाओगे कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सही है। तो दोनों स्मार्टफोन की जो फ्रंट साइड के लुक हैं वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। दोनों ही स्मार्टफोन में ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है, स्क्रैच गार्ड भी पहले से लगा हुआ मिल जाता है और बैक पैनल देखिए दोनों स्मार्टफोन की, प्लास्टिक बॉडी है, बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल आपको दोनों स्मार्टफोन के मिलते हैं, काफी कमाल के लग रहे हैं दोनों स्मार्टफोन के। ग्लोसी फिनिशिंग मिलती है आपको दोस्तों। सबसे पहले आपको वीवो T2X 5G का बैक पैनल दिखाते हैं, तो इस पर जो लाइट रिफ्लेक्शन है वो काफी कमाल का लग रहा है। नीचे वीवो की ब्रांडिंग, कैमरा, मेड्यूल पे नजर डालें तो दो बराबर साइज के लेंस आपको दिख जाएंगे, थोड़े से उभरे हुए हैं लेंस। और यहाँ मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट। वहीं पर हम ओप्पो A57 का बैक पैनल देखें तो इस पर भी आपको हल्का फुल्का लाइट रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है। नीचे ओप्पो की ब्रांडिंग, कैमरा सेटअप काफी बढ़िया है, हल्का सा उभरा हुआ है लेकिन लेंस उभरे हुए नहीं है। बाकी दो बराबर साइज के लेंस आपको यहाँ पर भी नजर आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ मेन कैमरा ओनली 13 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का एक सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। फ्रंट में जो यहाँ पर ड्रॉप नॉच है इसके अंदर आपको ओनली 8 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहे हैं दोनों स्मार्टफोन। दोनों स्मार्टफोन के जो कॉर्नर है वो बिल्कुल फ्लैट आपको मिलते हैं जो काफी बढ़िया लग रहे हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर राइट साइड में आपको दोनों स्मार्टफोन पावर ऑन की दे रहे हैं और फिंगरप्रिंट सेंसर भी इन पावर ऑन की पर ही आपको मिलता है। वॉल्यूम रॉकर्स आपको ओप्पो में लेफ्ट साइड में मिलते हैं जबकि वीवो में राइट साइड में ही दिए गए हैं। ऊपर की साइड आपको वीवो दे रहा है सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए जो ओप्पो नहीं देता है। सिम ट्रे भी वीवो ने ऊपर की साइड ही दी है, लेकिन यहाँ पर आपको हाइब्रिड स्लॉट मिलता है, यानी कि एक बार में आप 2 सिम कार्ड या फिर 1 सिम कार्ड 1 मेमोरी कार्ड ही लगा सकते हैं, जबकि ओप्पो पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलते हैं जहां 2 सिम कार्ड 1 मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ लगा सकते हैं। बॉटम में आपको दोनों स्मार्टफोन दे रहे हैं 3.5mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल्स। और अब दोनों स्मार्टफोन की जो पावर है वो ऑलरेडी हमने ऑन करके रखी हुई है, अब बारी है दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले को देखने की। तो सबसे पहले तो ब्राइटनेस चेक कर लेते हैं, ऑलरेडी 100% दोनों की ब्राइटनेस हो रखी है दोस्तों। अब आपको करीब से दोनों की डिस्प्ले दिखाएं, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको काफी कलरफुल और ब्राइट डिस्प्ले मिल जाती है, थोड़े से बेटर कलर यहाँ पर वीवो T2X के लग रहे हैं दोस्तों। आपको वीवो में 650 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, ओप्पो में 600 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है। एज और बेजल्स कॉर्नर और ऊपर से थिक लेकिन नीचे चिन थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। आइकन आपको नजर आ रहे होंगे, स्क्रॉल अप करते ही यहाँ पर आपको सारे के सारे एप्लीकेशन भी नजर आ जाएंगे। प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन तो दोनों स्मार्टफोन में आपको मिल जाती है, हालांकि इनको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन। दोनों ही स्मार्टफोन के आपको काफी स्मूथ टच मिल जाते हैं। चलिए दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की बात की जाए तो
6.58 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD आपको वीवो में मिलती है, वहीं ओप्पो आपको दे रहा है 6.56 इंच की HD प्लस IPS LCD। तो काफी बड़ा अंतर हो गया है यहाँ पर। दोनों का एस्पेक्ट रेशो है 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2408 पिक्सल और 720x1612 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 401 PPI 269 PPI की यहाँ पर दी गई है। इसके बाद हम हाइट को देखें तो 164 mm की हाइट आपको वीवो में, ओप्पो में आपको 163.7 mm की हाइट मिलती है। थिकनेस में 8.1 mm की थिकनेस के साथ वीवो आता है और 7.9 mm की थिकनेस के साथ ओप्पो आता है। 184 ग्राम का है वीवो और 187 ग्राम का है ओप्पो। दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। और चलिए दोस्तों अब हम सेटिंग पे नजर डालेंगे, वीवो से शुरुआत करते हैं। इसकी सेटिंग को जैसे ही आप ओपन करोगे तो अंदर इंटरफेस कुछ ऐसा आपके सामने खुलता है, जहां स्क्रॉल डाउन करने पर अबाउट फोन सेक्शन आपको सबसे नीचे मिलेगा। फन टच OS 13 आपको इसमें दिया गया है। डिवाइस नेम यहां पर मेंशन है, 2.2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको दिया गया है। चिपसेट MediaTek Dimensity 6020 का आपको इसमें दिया गया है। 4GB RAM प्लस 4GB वर्चुअल RAM आपको इसमें मिल जाती है। एंड्रॉइड वर्जन 13 और 128GB का स्टोरेज आपको इसमें दिया गया है। आप चाहो तो एक्सपेंडेबल मेमोरी 1TB तक बढ़ा सकते हैं। स्टोरेज टाइप UFS 2.2 आपको इसमें मिलता है। रैम टाइप LPDDR4X। ये एक 5G स्मार्टफोन है जिसमें 7nm का फैब्रिकेशन, माली G57 के ग्राफिक आपको मिलते हैं। वहीं अब आते हैं हम ओप्पो A57 पर। इसकी सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको कितना टाइम लिया यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, तो इंटरफेस कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जहां आपको बीच में ही अबाउट फोन सेक्शन दिख जाएगा। इससे हम ओपन करें तो यहाँ पर आपको डिवाइस नेम, स्टोरेज देखिए 64GB का मिलता है, जिसमें से 18.5GB तो ऑलरेडी यूज हो चुका है। प्रोसेसर देखिए दोस्तों, कहां इसका प्रोसेसर और कहां इसका। ये एक 4G स्मार्टफोन है दोस्तों, जिसमें 2.3 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है। चिपसेट MediaTek Helio G35 का दिया गया है और ये जो चिपसेट है 7-8 हजार रुपए के मोबाइल में भी आपको मिल जाता है। आजकल दोस्तों Flipkart पर तो जबरदस्त सेल चल रही है, 8 हजार रुपए के अंदर आपको Poco C55 MediaTek Helio G85 के चिपसेट के साथ मिल रहा है। तो देख सकते हैं 13.5 हजार रुपए हम खर्च कर रहे हैं और कौन सा आपको इसमें प्रोसेसर दिया जा रहा है। बेस्ड है 12nm के फैब्रिकेशन पर। पावर VR G8320 के ग्राफिक आपको इसमें मिलते हैं। 4GB की रैम मिलती है, ओनली 1GB वर्चुअल रैम। एंड्रॉइड वर्जन 12 के साथ आता है ये स्मार्टफोन। जो 64GB का स्टोरेज है उसका टाइप है eMMC 5.1 और यहाँ पर रैम टाइप LPDDR4X मिल जाता है। एक्सपेंडेबल मेमोरी को यहाँ भी आप 1TB तक बढ़ा सकते हैं। तो फीचर्स के मामले में ओप्पो वीवो से कई ज्यादा पीछे हो गया है दोस्तों। कैमरा भी देख लेते हैं, तो ये रहे दोनों स्मार्टफोन के कैमरा। एक्चुअल नेचुरल कलर आपको वीवो के कैमरा से देखने को मिलेंगे, लेकिन कैमरा के मामले में ओप्पो का कैमरा भी वीवो के कैमरा को पूरी टक्कर दे रहा है। काफी क्लैरिटी भरा कैमरा आपको इसमें मिल जाता है, लेकिन ओनली 5x जूम सपोर्ट करता है इसका कैमरा, जबकि वीवो का कैमरा 10x जूम सपोर्ट करता है। ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के फुल जूम क्लैरिटी दिख रही होगी। तो वीवो का जो जूम है वो काफी अच्छा है, कलर फेड नहीं होते, इमेज फटती भी नहीं है। हालांकि यहाँ तो मात्र 5 गुना ही जूम मिला हुआ है आपको। बाकी वीडियो मोड में आप 1080p में 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं ओप्पो A57 से, जबकि आपको वीवो T2X में फुल सपोर्ट मिल जाता है 60fps तक का। 30fps में तो कर ही सकते हैं, प्लस आप चाहो तो 60fps में भी इससे वीडियो शूट कर सकते हैं। और दोस्तों वीवो में आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है व्लॉग मूवी का, जिसमें कलरफुल आपको यहां पर कैमरा देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो इन्हें इनेबल करके काफी अच्छे कलरिंग में वीडियो शूट कर सकते हो, जैसे यहां पर चल रहे हैं। तो काफी अच्छा ऑप्शन यहां पर वीवो ने ये दिया है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में आपको टाइम लैप्स का ऑप्शन तो मिल जाता है, लेकिन ओप्पो आपको स्लो मोशन नहीं दे रहा है, कि आपको वीवो में स्लो मोशन के साथ साथ काफी सारे अदर ऑप्शन भी मिल जाते हैं। तो कैमरा के फीचर्स में भी यहाँ पर ओप्पो काफी पीछे हो गया। फ्रंट कैमरा तो एक जैसे हैं दोनों स्मार्टफोन के और लग भी एक जैसे रहे, ये पोर्ट्रेट मोड में हो रखा है, अभी नॉर्मल मोड में हो गया है। तो फ्रंट कैमरा तो यहाँ पर फिर भी एक्चुअल कलर वीवो के कैमरे से ही नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर ओप्पो तो जूम सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वीवो में आपको 2x जूम सपोर्ट भी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स अब आप समझ ही गए होंगे कि 13,000 रुपए में आपको एक 5G स्मार्टफोन मिल रहा है, तो ओप्पो का ये 13,500 रुपए में क्यों परचेज करना आपने, जिसमें आपको ज्यादा कोई अच्छे फीचर्स नहीं मिलते हैं। प्रोसेसर काफी डाउनग्रेड वाला दिया गया है दोस्तों, जो काफी सस्ते स्मार्टफोन में लगता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको वर्चुअल रैम का भी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। 12nm का फैब्रिकेशन दिया गया है, ओनली 64GB का स्टोरेज मिलता है,
आपकी यहाँ पर 128 GB का स्टोरेज भी दिया गया है। स्टोरेज की कोई कमी नहीं रहने वाली इस स्मार्टफोन में। तो मेरे हिसाब से, तो पर्सनली मैं कहूँ, मुझे यहाँ पर वीवो T2X 13,000 रुपए में बहुत बढ़िया स्मार्टफोन लगा। और सेल के अंदर अगर आपको कार्ड यूज का ऑप्शन मिल जाता है तो उसमें आपको और भी कुछ परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और भी सस्ता ये स्मार्टफोन पड़ जाएगा। बाकी डिजाइन के मामले में तो यहाँ पर वीवो भी कौन सा पीछे है। देखिए, ओप्पो के और वीवो के दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल काफी कमाल के हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप अपनी पसंद कमेंट बॉक्स में बताइए, इन दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया लगा, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए रेगुलर ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं।